नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। ब्लड शोरूम के स्वामी अग्रवाल जी गाड़ी से अपने घर जा रहे थे। डबल फाटक पर किसी ने उनसे कहा कि आपकी गाड़ी का तेल चुरा है। जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोककर तेल देखना चाहा, पिछली सीट से रखा नोटों का बैग लेकर उचक्का हुआ फरार। आइए हम बात करते हैं कैसे घटना घटी। अग्रवाल जी से जानकारी करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से आ रहे थे हम अपने शोरूम से, तो पल्ली साइड में, आर एम सिंह साइड में, किसी ने कहा कि तेल फेंका हुआ इनसे ड्राइवर से। तो इतना झसका था कि बिल्कुल सांस ऊपर नीचे हो गया। तो गाड़ी ला के यहाँ रुकी, तो मुझे कहते तुम यहाँ बैठो थोड़ी देर। जैसे ही उन्होंने खोला, उन्होंने बोला बैग साफ, और जबकि बैग पीछे तरफ था, दोनों तरफ से लॉक था। लॉक के बाद बैग सब आगे साफ हुआ। अच्छा, आगे लगभग कितना कैश होगा आपके पास? करीब 2 लाख के करीब। चाबी होंगी उसमें सेफ की। अच्छा, डायरी है 2-3। तो बच्चा था जिसने बताया क्या? बड़ा आदमी था कोई? नहीं, अधेड़ उम्र का था। मतलब नहीं, जिसने आपसे बताया कि गाड़ी पे तेल पड़ा, वो कौन था? 35 साल का था, पता था। हाँ, पता था। 22 के 25 के बीच के आसपास पतला था बिल्कुल। तो आप यहाँ आके बैठ गए? मैं बैठा था यहीं पर। दस का इतना डरा था कि साथ में ऊपर नीचे हो रहा था भी, अब मेरा भी। मैंने तुम यहाँ बैठ रहे थे, इन्होंने खोली ये गाड़ी। अब आगे के जैसे ने बोर्ड खोला, अगली साइड से गई, बैग तो पिछली साइड रखा था। अच्छा, बैग पिछली साइड था। चोरी की घटना जैसे ही पुलिस को पता लगी, पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मौके मुआयने में लग गई। अब देखना यह है क्या पुलिस उचक्के तक पहुंच पाती है या नहीं, ब्लड शोरूम के स्वामी का बैग मिलता है या नहीं।